थोड़ा सा ठिठाया। बहन होकर देखते क्या चार भाई से जोतराम जी महाराज कहने लगे भेना माँ ने तुझे तुरंत बुलाया नहीं, माँ की तबीयत खराब है। बहन ने सोचा चलो मैं भाई के साथ जाऊं, मैं माँ से मिलना पाऊं। और अपने भाई जोतराम से कहती है भैया जान जगह लू ऊंट गाड़ी जोड़ दे, बर्द गाड़ी जोड़ दी और दोपहर को चाय बनाती हूँ। परिणाम जब वो अंदर आती है दरवाजा खोल करके तो जोतराम जी महाराज जो आत्मा थी वो वहां से वापिस आ जाती है। और वापिस आकर फिर बैठ देखती है भाई आया था दिखाई नहीं दिया कहीं, सोचा कि भाई माँ की तबीयत खराब बता रहा था जल्दी होगी भाई चला गया होगा। उधर वो सजना बहन अपने पति को साथ लेकर अपने मायके आती है, पीर आती है तो क्या देखती है प्रेमियों लोग इकट्ठे हो गए थे बैठे थे, जोतराम जी की लाश पड़ी हुई थी। जब बहन भाई की लाश को देखती है तो विलाप करती है, बुरी तरह से रोती है मगर हिम्मत भी रखती है। जोतराम जी घरवाली जी का नाम माता राजकोर था, राजकोर से कहने लगी कि भाभी रोए मत रो, तेरे दो बच्चे हैं जिस टाइम प्रेमी गोतारा जी के दो बच्चे आज भी जोतराम जी महाराज के छोटे छोटे नाने नाने उनको धीरे धरती है, उनको थामस देती है कि ये बच्चों को तो पाड़ और रोने से काम नहीं चलेगा। और बहन अपनी भाव से क्या भी रोते भी रोता
Thank you.